वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले जिसने भी यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर दो न्यूज एंड अपडेट्स के लिए। एंड अब वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं फेस क्लैन के एक क्वेश्चन के साथ। तो जब भी आप अमंगस गेम खेलते हो या स्टार्टिंग में लॉबी में होते हो, तो कौन सी फॉर्मेशन में यार रन करते हो या फन करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं माइलस्टोन के बारे में। तो 8bit ट्रेवल ने कंप्लीट कर लिए 300 के सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर, ड्रैको गेम्स ने कंप्लीट कर लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर, घातक गेमिंग ने कंप्लीट कर लिए 400 के सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। अब बात कर लेते हैं गिव अवे के बारे में। तो फ्री फायर में डीजे आलोक कैरेक्टर का गिव अवे चल रहा है फ्री एरा चैनल पर, आप जाके चेकआउट कर सकते हो फ्री फायर गिव अवेज और फ्री फायर कम्युनिटी न्यूज के लिए। अब बात कर लेते हैं मार्कस गेमिंग के बारे में। तो मार्कस गेमिंग ने अपनी ऑफिशियल क्लैश ऑफ क्लैंस लाइनअप अनाउंस कर दी है, जो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं K18 के बारे में। तो K18 का न्यू व्लॉग SA12 Goes Green YouTube पर अपलोड हो चुका है, अगर आपने देखा है तो आप मुझे जरूर बताना ये व्लॉग आपको कैसा लगा। अब बात कर लेते हैं Among Us गेम के बारे में। तो Among Us गेम का एक न्यू रिकॉर्ड सेट हुआ है, एंड वो ये है कि Among Us Fall Guys को ओवरटेक कर चुका है सबसे ज्यादा स्ट्रीम होने के सिनारियो में। यानी Among Us ऐसा गेम है 2020 में जो Fall Guys गेम से भी ज्यादा बार खेला गया है ऑन स्ट्रीम। अब बात कर लेते हैं लीग ऑफ लेजेंड्स वाइल्ड रिफ्ट गेम के बारे में। तो लीग ऑफ लेजेंड्स वाइल्ड रिफ्ट का ऑफिशियल बीटा वर्जन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, एंड जल्दी हमें ऑफिशियली ये गेम मोबाइल पर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आईफ्लिक के बारे में। तो आईफ्लिक ने रिसेंटली अपनी मॉम को एक बर्थडे गिफ्ट दिया, एंड उन्होंने एक नई सुजुकी स्कूटी गिफ्ट करी ताकि वो ट्रेवल कर सके इजिली। तो ये काफी इमोशनल एंड एपिक मोमेंट था। अब बात कर लेते हैं डीजे सोलो के बारे में। तो रिसेंटली डीजे सोलो ने बताया कि कुछ स्पेशल आने वाला है उनकी तरफ से, एंड लेट्स सी वो क्या होता है। अब बात कर लेते हैं हस्तर के बारे में। तो रिसेंटली हस्तर ने पुणे के कल्चर के बारे में बात करी, जब उनसे एक बंदा पुणे विजिट करने पर कैसा लगा सवाल करता है, एंड हस्तर ये बताते हैं कि उनको काफी अच्छा लगा एंड वो आगे भी विजिट करने की सोच रहे हैं। अब बात कर लेते हैं रायन के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने बात करी गेमिंग ग्रोथ के बारे में, एंड उन्होंने ये बताया कि गेमिंग में यूट्यूब सर्च इंटरेस्ट डबल है नियरली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जो एक काफी अच्छी बात है यूट्यूब गेमिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं 8bit ठग के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने जितने भी शूट किए हैं अपनी YouTube वीडियोस के लिए, उन सभी के बिहाइंड द सीन क्लिप्स और ब्लूपर्स को वो पोस्ट करेंगे जल्दी, जो काफी फनी है। अब बात कर लेते हैं BKCG गेमिंग के बारे में। तो वन ऑफ फाइनेस्ट कास्टर जिनके बारे में आप सबने सुना ही होगा, उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपना फेस रिवील करने वाले हैं जल्दी 10 अक्टूबर यानी कल के दिन। अब बात कर लेते हैं TSM एंटिटी के बारे में। तो TSM आर्मी कम्प्लीटली लीग ऑफ लेजेंड वाइल्ड रिफ्ट को ग्राइंड करते हुए नजर आई, एंड इस गेम के बारे में काफी हाइप क्रिएट करते हुए नजर आई, एंड देख करके एग्जैक्टली लग रहा है जैसे TSM विल रॉक इन दिस गेम। अब बात कर लेते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में। तो कॉल ऑफ ड्यूटी का न्यू गेम ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर गेम 30 नवंबर को आने वाला है। अब बात कर लेते हैं शाइनी कैश के बारे में। तो शाइनी कैश जो एक स्ट्रीमर है, अनफॉर्चुनेटली उनका चैनल हैक हो चुका है, एंड उनके चैनल पर बिटकॉइन वीडियोस प्ले हो रही हैं। तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग ट्वीट किया है ट्विटर पर, एंड आपको ट्वीट की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप जाकर रिट्वीट और यूट्यूब इंडिया और यूट्यूब सपोर्ट टीम को टैग कर सकते हो ताकि उनका चैनल जल्दी से जल्दी उनको वापस मिल सके। अब बात कर लेते हैं स्काउट के बारे में। तो रिसेंटली स्काउट को एक बंदा काफी ज्यादा परेशान करता है कॉल करके, अब्यूज करके, मैसेज स्पैम करके, जिसके बाद स्काउट ये कहते हैं कि अटेंशन चाहिए तो अटेंशन मिलेगा, एंड उस बंदे का नंबर रिवील कर देते हैं, एंड वार्निंग दिया कि अगली बार एड्रेस डाल दूंगा, एंड ये कहा कि क्यों भूल रहे हो, अगर तुम सब ये कर सकते हो तो उससे बहुत बड़े लेवल पर हम भी कर सकते हैं। और सो स्काउट ने कहा कि पबजी बैन होने के बाद कुछ कहते हैं पबजी खेलो, कुछ कहते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेलो, जब कॉल ऑफ ड्यूटी खेले तो कुछ कहते हैं समझ नहीं आ रहा बहुत फास्ट है, फिर रैंडम गेम्स खेलो तो कुछ कहते हैं कि बहुत गंदा गेम है, फिर स्टोरी मोड खेलो तो कुछ कहते हैं बोरिंग है, लड़ाई क्यों नहीं हो रही, एंड आखिर देखना क्या है इनको, एंड FIFA 21 के रिगार्डिंग हाइप नजर आई। अब बात कर लेते हैं टीम लिक्विड के बारे में। तो टीम लिक्विड में एक न्यू एडिशन हमें देखने को मिला, एंड ये कोई आम नहीं बल्कि सेक्स एजुकेशन स्टार बटरफील्ड का है, जो ऑफिशियली अनाउंस हुआ। अब बात कर लेते हैं टुंड्रा ईस्पोर्ट्स के बारे में। तो लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने टिकटॉक और स्पोर्ट्स वियर ब्रांड कप्पा के साथ पार्टनरशिप फॉर्म कर ली है, एंड अब हमें टिकटॉक भी ईस्पोर्ट्स जर्सी पर देखने को मिलेगा, जैसे ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं PS5 के बारे में। तो PS5 इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं, इस पे अभी भी कंफर्मेशन करना मुश्किल है, और सोनी PS5 का जो ट्रेडमार्क था वो 3 महीने पहले दिल्ली में रहने वाले हितेश असवानी के पास है, एंड जब सोनी ने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई भी नहीं किया था तब हितेश ने फाइल कर दिया था। तो लेट्स सी इफ सोनी फाइंड्स अ सॉल्यूशन, एंड अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो PS5 का इंडिया में लॉन्च होना मुश्किल है, बट इंडियन गवर्नमेंट वर्क कर रही है किसी सॉल्यूशन के लिए ताकि PS5 लॉन्च हो सके, लेट्स सी इसमें कितना टाइम लगता है। अब बात कर लेते हैं डोप गॉट नो चिल के बारे में।
तो रिसेंटली वो फीचर्ड हुए पोस्ट में न्यूज आर्टिकल में एंड वहां पर उनके बारे में हमें काफी कुछ जानने को मिला, लाइक उनकी अचीवमेंट, उनकी जर्नी, उनके अप्स एंड डाउन्स, फेजेस एंड और भी काफी कुछ। अब बात कर लेते हैं बीस्ट बॉय शुभ के बारे में। तो बीस्ट बॉय शुभ ने अप्रिशिएट किया सभी गेमर्स को एंड ये कहा कि उनको काफी अच्छा लगा ये देख करके कि इंडियन गेमर्स और भी काफी गेम्स खेल रहे हैं। कुछ स्ट्रीमर्स पहले थे जो अमेजिंग कंटेंट प्रोवाइड करते थे बट अब नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं एंड वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हैं इस कंपटीशन के लिए। अब बात कर लेते हैं वेलोरेंट के बारे में। तो वेलोरेंट के न्यू अपडेट में एक न्यू एजेंट हमें देखने को मिलने वाला है एंड जल्दी सारी एबिलिटीज एंड डिटेल्स हमें देखने को मिलेंगी। ऑल्सो वेलोरेंट की बात करें तो वापस हमें #AskValorant देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं पबजी मोबाइल के बारे में। तो पबजी मोबाइल PMPL की स्क्रिम्स चालू हो चुकी हैं एंड जिसको भी देखना है वो पबजी मोबाइल ईस्पोर्ट्स चैनल पर जाके देख सकता है। ऑल्सो पबजी मोबाइल की बात करें तो सेल्स रॉक्स ने बात करी इफेक्ट के बारे में। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो सिचुएशन के साथ कॉप अप कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मॉर्टल के बारे में। तो रिसेंटली मॉर्टल ने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की स्ट्रीम करी एंड उनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है। लोगों ने अप्रिशिएट किया कि मॉर्टल और भी गेम्स ट्राई कर रहे हैं एंड वही अपोजिट टू सपोर्ट जब क्रॉन्टन ने ब्रेक के बाद स्ट्रीम करी एंड ये कहा कि विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, तो काफी लोग ये कहने लगे कि वो ब्रेक ना लिया करें। तो क्रॉन्टन ये कहते हैं कि वो इन दिनों इसलिए स्ट्रीम नहीं कर पाए कॉज उनका एक बहुत बड़ा शूट था जिसमें उनकी BMW, उनकी फैमिली, वो, उनका बूट कैंप, उनका पास्ट और प्रेजेंट सब कंबाइंड है एंड ये शूट पबजी मोबाइल इंडिया ने किया है। तो लेट्स सी हमें ऑफिशियली देखने को कब मिलता है। अब बात कर लेते हैं मॉर्टल कॉम्बैट 11 गेम के बारे में। तो रैम्बो मूवी सबने देखी होगी या मोस्ट ऑफ लोगों ने देखी होगी एंड रैम्बो कैरेक्टर अब हमें मॉर्टल कॉम्बैट 11 गेम में देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं सोल अमन के बारे में। तो रिसेंटली अमन ने अनाउंस किया कि वो जल्दी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की स्ट्रीम करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कमबैक के बारे में। तो डायनमो और मावी स्ट्रीम पर कमबैक करने वाले हैं जल्दी एंड रेगुलर स्ट्रीम समय करते हुए वो नजर आएंगे। तो ये थी आज की सारी गेमिंग न्यूज एंड अपडेट्स। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने सभी गेमर्स दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए रैक्स साइनिंग ऑफ।